मिक्सअप हो जाते हैं, मैं अभी बात कर रहा हूँ टीम एक्स स्पार्क की। टीम एक्स स्पार्क में आप लोगों को स्काउट ओपी देखने को मिलेंगे, जायरो गॉड टीम एक्स स्पार्क के 420 ओपी एंड आखिरी में अल्ट्रॉन। टीम सिनर्जी मेरी ख्याल से बहुत ही बेहतरीन बैठेगी इन चारों, क्योंकि सबका गेम स्टाइल सेम ही है, काइंड ऑफ दे ऑल आर एग्रेसिव टुवर्ड्स द गेम एट एनी गिवन पॉइंट। स्टार्टिंग में देखो, एंड में देखो, दे ऑलवेज वांट टू गेट दोस किल्स। एंड मैं देखना चाहता हूँ फिनिशर्स इस टीम के एट एनी मैच कितने होते हैं। हम लोग भी उसी चीज का इंतजार कर गए। हम तीनों को गेम के अंदर काफी फाइट्स देखना पसंद है और एक्स स्पार्क उस चीज पे काफी अच्छे से डिलीवर करेगी, बट दे वोंट बी अलोन इन दैट कॉज टीम सोलो को बाहर का रास्ता दिखाया। बिल्कुल, मैक यहाँ पे रिवाइव जरूर करते हुए नजर आएंगे सयम को, बट जायरो गॉड वहां पे एक्सो के पंक को नॉकडाउन करेंगे। फियर्स नॉकडाउन हो चुके वहां पे अल्ट्रॉन के द्वारा। टीम एक्स स्पार्क दे वॉन्ट टू मेक देयर मार्क टूवर्ड्स दिस मैच, बिकॉज यहाँ पे और भी प्लेयर्स हैं उनके सराउंडिंग में जिनसे फाइट हो सकती है, बट सर्कल की प्रायोरिटी देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉडल गिल हम लोगों को नजर जरूर आ रहे हैं जोन के सेंटर में, बट टीम एसजी सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में। 420 ओपी भी मीनवेल वहां पे नॉकडाउन होते हुए नजर आए। स्काउट ने वहां पे एक अच्छा काउंटर दिया है पंक को नॉकडाउन करते हुए। स्नैक्स ने वहां पे 420 ओपी को पूरा फिनिश कर दिया है। स्नैक्स खुद भी नॉकडाउन हो चुके हैं, अल्ट्रा नॉकडाउन हो चुके हैं। जायरो गॉड अकेले बचे हुए उस वाली फाइट में, क्या निकाल पाएंगे वाली फाइट। मिड रेंज फाइट जरूर है, रिच टू रिच फाइट अभी निकालते हुए नजर आ रहे हैं। बेरल है उनके पास, स्काउट ओके बहुत ज्यादा दूर है। रिवाइवल की कोई यहाँ पे मौजूदगी मेरे को लग नहीं रहा नजर आ रहा है यहाँ पे। सेंसे वर्सेस जायरो गॉड, लेकिन जायरो गॉड को कहीं और से भी शॉट्स पड़ रहे थे एंड एक और एलिमिनेशन देखने को मिलता है। अब सेंसे को समझना पड़ेगा उनको अपने टीममेट्स को रिवाइव यहाँ पर करना है, जोन के बाहर की दिक्कतें बहुत ज्यादा। एंड सेंसे को सेव दिस विल साथ के साथ उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। प्रदान करने की कोशिश करेंगे। सोमराज भी नॉकडाउन, सो टीम इनसेन ने अच्छे बैक टू बैक नॉक दिए, क्या वहां पे उसको कैपिटलाइज कर पाएंगे। जोनाथन ने वहां पे स्काउट को नॉकडाउन कर दिया है, दैट वाज अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम हिम। क्या वहां पे बैकअप रहेगा टीम एक्स स्पार्क के प्लेयर्स का। They are coming. Players आ रहे हैं रिवाइव करने के लिए। दूसरी तरफ आप देखें टीम्स और ने बात करी तो हमें टीम एक्स स्पार्क भी देखने को मिल रही है, गॉड लाइक भी। ये बैटल ऑफ गोलायथ्स बनती हुई नजर जरूर आ रही है। स्काईलाइट्स के एक और प्लेयर डेफिनेटली यहां पर पिक जरूर हो चुके। तीन टीमें, तीन बड़ी टीमें एक दूसरे के आसपास, और वहीं पर स्काउट को फिनिश किया जाएगा। बाकी प्लेयर्स के लिए जॉनसन आगे जा रहे हैं, 420 को भी डाउन कर देंगे और उनको भी फिनिश करेंगे। अपने लिए दो फिनिशेस टीम एक्स स्पार्क के नाम के निकाल लिए इन्होंने, बट क्या बाकी प्लेयर्स भी इन्हीं के खाते में लिखे या फिर वो प्लेयर्स इनको रिटेलिएशन में जवाब दे पाएंगे। आप देखिए धीरे धीरे ग्रेनेड्स को किए जरूर जा रहे हैं। एग्जैक्ट पे नॉकडाउन हुआ है वापस से इनसेन के प्लेयर्स के द्वारा। सीवी ने वहां पे नकुल को नॉकडाउन करा है। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के प्लेयर को भी दिक्कतें नजर आएंगी थोड़ी देर में, बिकॉज जोन का एडवांटेज राइवलरी। आज वहां पे एक अच्छी पोजीशन में स्ट्राइकर वहां पे एक और नॉक निकाल चुका, अल्ट्रॉन को भी नॉकडाउन कर दिया है वहां पे सीरवी ने। सो राइवलरी फाइनली मैच के अंदर आती हुई, बट वहां पे अब जॉर्जपोल जाने वाली टीम्स को जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा कुछ भी करके, क्योंकि उनको समझ में आ चुका है शायद की दिक्कतें यहीं पर बन सकती है। एंड आप देख सकते हैं नॉक्स निकालने की शुरुआत, स्काउट ने निकाला भी है, मैक्सी को डाउन किया। दैट वॉज अ ब्रिलियंट 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 एडीएस नॉक। एग्जैक्टली M4 के साथ इतने लंबे डिस्टेंस पे परफेक्टली स्प्रे कनेक्ट करके पहला शुरुआती नॉक तो निकाला है, बट अगेन क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पे फिनिश कंफर्म कर पाना थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। स्विचेस ओवर टू द VSS। स्काउट अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से हैदराबाद हाइड्रास के जिस प्लेयर सिटी के एरिया के अराउंड होती नजर आ रही है ब्लाइंड, उनको शायद यही मोमेंटम चाहिए अगर उनको अपना खाता अच्छे तरीके से खोलना है इस गेम में। पर देन क्या जायरो गॉड उनके निशाने पर है, वो एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर बन जाता है। आई थिंक जिस हिसाब से यूटिलिटी यहाँ पे उनकी तरफ फेंकी जा रही है, निशाना तो डेफिनेटली तान के बैठे हैं ये ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स, बट इस वक्त एक्स स्पार्क के अगेंस्ट टकराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। बट जायरो गॉड को इंस्टेंटली नॉकडाउन करते हुए नजर आएंगे। शैडो थोड़ा सा डैमेज ट्रेड में इनको भी पड़ता हुआ, प्रोन आउट हुए थे ताकि खुद को बचा सके, बट ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स इस नॉक के साथ एक एडवांटेज क्रिएट कर सकती है। रेज को देखिए आगे पुश करते हुए नजर आ रहे हैं UMP के साथ। आई थिंक वो फिनिश को कंफर्म करना चाहेंगे, और अगर ये फिनिश आया 3v4 की सिचुएशन में ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स आगे पुश कर सकती है अपने एडवांटेज के साथ। बट चलिए देखते हैं एक्स स्पार्क की अब कोशिश होगी ट्रेड निकालने की। और रेज की तरफ से थोड़े शॉट्स आए जरूर थे, वो खुद स्काउट के ऊपर शॉट दे रहे, बट वो लेफ्ट हैंड साइड को नहीं देख पा रहे, तो शायद उनके दिक्कतें कर सकता है। बट खुद को अभी कवर में लेकर के आ चुके शैडो, उनके साथ साथ कवर यहां पर देते नजर जो है शॉट्स इनफैक्ट 420 पर ले रहे थे। आई गेस अब बचना मुश्किल है यहां पर जायरो गॉड का कुछ भी करके। तो ये एक कंफर्मेशन
जरूर मिल सकती है ब्लाइंड की टीम को। उसी के साथ उनका खाता खुलता नजर जरूर आएगा, जो पिछले दो गेम से एक फुल स्टॉप के साथ था, वहां पर कुछ ना कुछ अब लिखावट शुरू होने वाली है। और ब्लाइंड के प्लेयर्स को आप देखिए एक एक करके धीरे धीरे अब पहुंच रहे हैं, बट वाटर सिटी जो है वो इस टीम का घर रहा है। किस तरीके से डिफेंड करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल, थोड़े बहुत यहाँ पर शॉट्स दिए गए थे 420 के द्वारा, बट क्या उसके बाद कुछ कर पाएंगे। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता और उसी के चलते जैरो गॉड लेकिन वहीं पर और फाइट्स हो रही है। सीधों को देखिए बिल्कुल सामने दो बार ड्रॉप शॉट्स लिए, एक एचपी पर सरवाइव करते करते सीधा नियो को बाहर का रास्ता दिखाया, बट ही विल बी टेकन डाउन क्योंकि वो गिर चुके हैं बाकी प्लेयर्स से गॉडलाइक है जो आप गुस्से में। डजंट मैटर, एक इंप्रेसिव फिनिश यहां पे दिखाया, हर तरफ से गोलियां उनकी तरफ चलाई जा रही है, बट अपना कंपोजर मेंटेन किया और एक फिनिश निकाला, बट गॉडलाइक के जोनाथन यहां पे नॉकआउट होते हुए नजर आएंगे। उस फिनिश फीड के अंदर टीम एक्सपार्क का पुश ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स की तरफ जाता हुआ रेज को नॉकआउट करके इस गेम से बाहर का रास्ता दिखाते हुए नजर आएंगे। स्काउट अपने टीममेट के साथ एक 2-on-1 पुश यहां पे देखने को मिला, बट आई थिंक जायरो गॉड के फिनिश का बदला पूरी गेम स्टेजेस में अगर प्लेसमेंट पॉइंट्स भी निकालने की कोशिश करते हैं। दिस गेम इज ऑलरेडी अ सक्सेसफुल मैच फॉर टीएसएम, बट प्रेड दैट्स प्रे 420 ओपी और स्काउट भी डाउन हो चुके हैं। मैडमैन ने उनको भी यहां पर पिक किया है टीम एक्स पार्क के लिए। चीजें फिसलती जा रही है उनके हाथों से, कुछ ना कुछ उनको करना पड़ेगा इन अगले आने वाले गेम्स में। खैर अभी अगर हम लोग बात करें मैडमैन कितनी देर तक वो अपनी टीम के साथ सर्वाइव कर पाते, दो फिनिशेस इनके पास आए, दोनों टीम एक्सपार्क के नाम के थे और टीम एक्सपार्क अभी भी उनका सफर खत्म नहीं हुआ, प्लेयर्स अभी भी जीवित है, बट देन कितना आगे ये लोग जा पाएंगे इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। थोड़े बहुत शॉट्स खैर इधर उधर लिए जा रहे हैं, वहीं पर 8 बिट के प्लेयर्स को स्पॉट किया है इनकोर ने टीम एक्सपार्क। खैर एलिमिनेशन मुश्किल होगा, अभी हम एक्सो के प्लेयर्स को देखते हैं आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए। पंक ऑलरेडी नॉकआउट हो चुके हैं, फियर्स और स्नैक्स के ऊपर तो सारा प्रेशर, ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स इस गेम से बाहर होते हुए नजर आएंगे एंड आई थिंक कुछ और एग्जिट हमको अभी जल्द ही देखने को मिलेंगे। एक्सपार्क की अगर बात करें, स्काउट कंप्लीटली पिन डाउन हो चुके हैं और एनिग्मा फॉरएवर बहुत ही करीब यहां पे टीम एक्सपार्क को फिनिश ऑफ करने के, बट फ्लैंक्स से शॉट्स आते हैं और अब एक ब्रीदिंग रूम टीम एक्सपार्क को मिलता हुआ। बिल्कुल, और टॉप 8 टीम्स यहाँ पे बची हुई है हमारे पास, टीम एक्सपार्क के आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं। स्काउट देखते हैं वो कितना ज़्यादा वैल्यूएबल प्लेसमेंट पॉइंट्स निकाल पाते हैं, क्योंकि वो सेकंड मैच तक तो अच्छी खासी पोजीशन में थे ओवरऑल स्टैंडिंग, बट फिर थर्ड मैच के बाद थोड़ा सा स्लिप डाउन हुए जरूर, बट यहाँ से स्काउट को पोजीशन निकालनी है। क्या वो राइट साइड से मूव इन कर सकते, बिकॉज लेफ्ट साइड से मेरे को नहीं लगता कि टीम एनिग्मा फॉरएवर वहाँ से अपनी जगह छोड़ेगी। सो क्लोज टू द सर्कल वाले एरिया पे स्काउट अभी इज द लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर फॉर हिज टीम। बट चलिए दूसरी तरफ अगर नजर डालें, रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स हल्ला बोलते हुए नजर आएगी ऑन द प्लेयर्स ऑफ 7C, बट टीम एक्सपार्क का सफर इस गेम में यही एक हेडशॉट उनको चाहिए जरूर, कोशिश उसकी जरूर चल रही थी, वो मिला भी उनको, हालांकि वो हम प्रॉपरली देख नहीं पाए, बट आई एम प्रीटी श्योर वो काफी ज्यादा खुश जरूर रहेंगे। 5 टीमें 17 लोग जीवित है, एक्सो के प्लेयर्स को दिक्कतें दे रही है इसमें टीम एक्सपार्क, जो कि उनके बैक एंड से आई थी एंड फाइट लेने को पूर्ण रूप से तैयार। आप देखिए एक एक करके प्लेयर्स उनके जायरो गॉड यहां पर फियर्स को डाउन कर चुके, बट द जॉब इज नॉट डन। जायरो गॉड अभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा देर वो ऑन फुट नहीं चल सकते, जैसे ही थोड़ा आगे क्राउच करके जा रहे हैं फिर प्रोर हो रहे हैं ताकि अपनी पोजीशन नहीं देनी है। वही लीड करते हुए नजर आ रहे हैं अल्ट्रॉन टीम एक्सपार्क का, अगर देखे तो 420 ओपी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज सामने एक्सो तो है बट लेफ्ट साइड में पूरा एनिग्मा का स्क्वाड भी सांप की तरह प्रोन डाउन है। ये फाइट आसान बिल्कुल नहीं रहने वाले, बट रेवेनेंट ऑस्टिन बॉटेक्स को दिक्कत दे रहे, बट अभी ग्रेनेड अच्छा फेंका गया था, क्या यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं अल्ट्रॉन। He wants that kill and वो खड़े होके भी एक grenade try करेंगे, but meanwhile वहाँ पे Ultron spot हो चुके हैं Exo के Sensei के द्वारा and ये इतनी आसान position नहीं है, वहाँ पे एक और knockdown कर दिया है टीम एक्स पार्क। ओके वहाँ पे स्काउट भी स्पॉट हो सकते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा रिज है, बट सेंसाई उनको पता है कि एक एचपी पे है, क्या ग्रेनेड यहाँ पे फेंकेंगे, क्या बुलेट ऑफ फेंकेंगे, बट एक बुलेट और कनेक्ट करेंगे। सेंसाई इज ऑन रोल राइट नाउ, बैक टू बैक स्पॉटिंग, बैक टू बैक नॉक्स, 420 अकेले बचे हैं यहाँ पे अपनी टीम के लिए एंड अब दिक्कत पता है कहाँ पे होगी। ओशन एनिग्मा ने पूरी मूवी अपने सामने देखी, बट टीएसएम आपने देखा सेंसे अभी अभी बाहर का रास्ता उनको इनफैक्ट दिखाया गया, अकेले प्लेयर बचे हुए थे, दिक्कतें दे रहे थे लेकिन उनको बाहर जरूर किया गया। टीएसएम टीम सोलो मिड इस समय 10 फिनिशेस लेकर के बैठी हुई है, शैडो जस्ट यू नो सर्वाइविंग बाय द विस्कर जोन उनके काफी ज्यादा करीब, काफी ज्यादा अच्छी चीज होती है। अब एनिग्मा को जाना जरूर है बट बहुत ओपन एरिया इस टीम को कवर अप करना पड़ेगा। टीम एक्सपार्क वेल वो कोशिश अभी भी कर रहे हैं कि वो रिवाइवल्स की जो प्रक्रिया है वो हो सके काफी सही तरीके से। रेवेनेंट एक इकलौता प्लेयर जोन का एज, आई एम काउंटिंग ऑन टीम TSM, बिकॉज हम लोग इस वाले मैच से पहले ही बात कर रहे थे कि अगर चिकन डिनर आते हैं तो बड़े चिकन डिनर आते हैं, अगर इसमें भी चिकन आया उनके पास
तो कोई बड़ी बात नहीं है, 15 किल्स हुए एक्चुअली ऐसे ही कलेक्ट कर, बट यहाँ पे शैडो ने ओपन में स्पॉट करा स्काउट को, बट सामने से रिटेलिएशन फायर जरूर देखने को मिल रहे, बट दैट वाज नॉट एनफ टू नॉक एनीवन डाउन, बट 420 ओपी भी ओपन में डैमेज लेते हुए नजर आ रहे, बट एनिग्मा के प्लेयर्स स्पॉट कर चुके 420 फॉर टाइम बींग, ही वॉज जस्ट ओवर देयर एंड ही गॉट एलिमिनेटेड। टॉप थ्री टीम्स हमारे सामने है, 8 प्लेयर